सत्तर तारीख नु चोखू देखाई रहू। महत्वना समाचार, अमदावाद में आज मळशे पाटीदारोनी बैठक। पाटीदारोनी मुख्य संस्थाओना प्रमुखोनी बैठक मळशे विश्व उमियाधाम जासपुर खाते मळशे बैठक। समाजे अनामतनी अंदर जे प्रकारे एक आगेवानी लीधी थी ये अंतर्गत जयरे प्रश्न थतो होय त्यारे अमारा एजेंडा में मुद्दों आवतो होय छे अने आवो ज मुद्दों आ बाबतनी चर्चा पण बिन अनामत वर्गना दरेक समाजनी अंदर एमनी मीटिंगों में थवी जोईए अने ए मीटिंगों थया बाद एक संकलन साथेनी बिन अनामत वर्गना दरेक आगेवानोनी मीटिंग पण आगामी समय में चोक्कस बोलावामां आवशे અને એની અંદર પણ આ પ્રશ્નની ચર્ચા કરવામાં આવશે। તમે જે પીએસઆઈ વાળો મામલો કયો છો એ આખો મામલો હવે કોર્ટ સમક્ષ મુકાઈ ગયો છે, કોર્ટની અંદર સરકાર છે તે આ સમગ્ર મામલે જવાબ આપી રહી છે। હવે આ જ્યારે મીટિંગમાં ચર્ચા થયા પછી એના વિશે વિગતે હું જણાવી શકું, કારણ કે આ મુદ્દો હજુ મીટિંગમાં ચર્ચવાનો છે એટલે અત્યારે એ વિશે વધુ વાત કરવું એ જરા અસ્થાને લાગે છે। સરકારમાં કોને કોને રજૂઆત કરી છે આ સમગ્ર મામલે? સરકારની અંદર મુખ્યમંત્રી સમક્ષ આ બાબતમાં લેખિતમાં રજૂઆત કરેલી છે અને હવે આ મીટિંગ બાદ એના અનુસંધાનમાં સરકારશ્રીનો મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સમય લઈ અને રૂબરૂની અંદર વ્યક્તિગત મળીને એની રજૂઆત કરવાનો એક કોન્સેપ્ટ આની અંદર છે। હિન્દી મેં બતા દીજે કે આજ કે મીટિંગ કે ક્યા ક્યા મુદ્દે હૈ ઓર કોન કોન સે વિષય કો લેકર આજ ચર્ચા હોગી, કોન કોન લોગ ઇસ મીટિંગ મેં શામિલ હોંગે? પાટીદાર સમાજ કી જો સંસ્થાએ હૈ વો સંસ્થાએ સરકાર કે સાથ એક સંકલન કરકે હમને એક કમિટી બનાઈ હૈ, उसे बोलते हैं पाटीदार ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये कमेटी की मीटिंग हर 5-6 महीने के अंतर्गत होती रहती है और उसी में समाज के अंतर्गत जो भी प्रश्न इश्यू होते हैं उसकी चर्चा होती रहती है। जो गत मीटिंग हुई खुडलधाम में उसके बाद ये मीटिंग हो रही है। खुडलधाम में जो कुछ डिस्कशन हुआ था, जिन मुद्दे पर बहस हुई थी, उन मुद्दे पर अभी तक उसका कोई उकेल नहीं आया। उसी हिसाब से जो कुछ मुद्दे थे उसके रेफरेंस में जो खास मुद्दे है उसमें एक बिन अनामत आयोग और निगम के रेफरेंस में अभी जो समाज की जो अपेक्षाएं थी उसी हिसाब से वो कामगिरी नहीं हो रही है। वहाँ काफ़ी लोग एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, जो सरकार ने तय किया है उसी को लेने के लिए भी उनको काफ़ी दिक्कत रहती है। वो सभी मैटर को डिस्कस करना है आज की मीटिंग में और उसको लेकर सरकार में रुजुआत करनी है। दूसरी, रिसेंटली जो अभी पुलिस की भर्ती जो हुई है, पुलिस भर्ती जो हुई है उसके जो नोटिफिकेशंस है उसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत जिन प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए ऐसी कार्यवाही नहीं हुई उसी के रेफरेंस के आज की मीटिंग में हमारी चर्चा रहेगी। और तीसरा जो इश्यू है कि पाटीदार समाज सभी समाज की जो भी बहन दिकरिया की जो लग्न होता है उनकी मर्जी से होता है, उसमें कहीं ना कहीं जहाँ पर दबाव के हिसाब से होता है या तो उस गलत तरीके से होता है, उसी में जब भी ऐसी शादी होती है तो उनके माँ बाप में से किसी एक की जो साक्षी में साइन होनी चाहिए इस बारे में भी आज की मीटिंग में चर्चा होने वाली है। उसके अलावा काफ़ी और भी इश्यूज़ है, ये बड़े बड़े इश्यूज़ है, वो सभी चर्चा होने के बाद जो कुछ है उसको हम आपको बताएंगे। बेसिकली जो आप शादी की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या मेन मुद्दे क्या रहेंगे? जो लव मैरिज करने वाली पाटीदार लड़कियां हैं उन लोगों को लेकर ये मुद्दे खड़े किए गए? नहीं, पाटीदार समाज की अकेली लड़कियों की दिकरियों की बात नहीं है, सभी समाज की बात है। लव जिहाद भी होता है, उसमें लव जिहाद के अलावा भी मैटर्स होती है कि किसी को दबाव डाले या किसी को फंसा कर लड़कियों के साथ शादी की जाती है, वो सभी मैटर है, कोई एक मैटर नहीं है। तो उसी हिसाब से उसको कैसे रोका जाए उसके रेफरेंस में आज की मीटिंग में चर्चा होगी और उसके बारे में अगर ज़रूरत पड़े तो उसको एक लीगल कॉन्सेप्ट में कैसे लाया जाए उसके लिए भी सलाह ली जाएगी। उसमें क्या आप लोगों की ओर से क्या पहले प्रपोजल क्या रखा गया था, अब क्या आज उसमें चर्चा होगी कि विटनेस चाहिए या माता पिता किसी एक का साइन चाहिए? उसी में सिंपली मैटर है, जहाँ आज मान लो कि जहाँ रजिस्टर कोर्ट मैरिज होता है वहाँ पर दो साक्षी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो दो साक्षी कोई भी होते हैं। हमारा सवाल इतना ही है कि दो साक्षी जो कोई भी होते हैं उसकी जगह माँ बाप में से किसी एक होना चाहिए, और कोई मैटर है ही नहीं। अपने आप उनको मालूम पड़ जाएगा माँ बाप को कि मेरी लड़की की शादी ये लड़के के साथ हो रही है, वो सही है या गलत है, उसी हिसाब से वो साइन करेगी, बस इतना ही मुद्दा है। लेकिन ये नहीं हो रहा उसी हिसाब से जो समस्याएं समाज में हो रही है उसके रेफरेंस में आज की मीटिंग में डिस्कशन होने वाली है। उसके रेफरेंस में क्या आप सरकार को कहेंगे कि इसको लेकर एक कानून बनाया जाए? तो आ तरफ पाटण में सिद्धपुर शहर